यासिर यासिर क्या हुआ? तुम्हें आवाज आई? आवाज आई है इसलिए तो उठा हूँ। मेरी नहीं, बिल्ली की। मुझे बिल्ली ने आवाज दी थी? नहीं, मैंने। तुमने मुझे बिल्ली की आवाज से क्यों जगाया? ओ यासिर, क्या हुआ? मैंने तुम्हें जगाया और बिल्ली ने मुझे नींद से उठाया। बिल्ली तुम्हें कैसे उठा सकती है निदा? जरूर तुमने कोई ख्वाब देखा होगा। यासिर, बाहर कोई बिल्ली रो रही है, कुछ करो। निदा, मैं इस वक्त उठ के उसे चुप नहीं करा सकता, प्लीज निदा। यासिर, मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम बिल्ली से डरती हो निदा? नहीं, उसके रोने से। अरे तुम्हें क्या पता कि वो रो रही है? तुम्हें क्या उसकी आंखों में आंसू देखे हैं? सुनो, बिल्ली वाकई रो रही है। उसे रोने दो और मुझे सोने दो प्लीज। यासिर, तुम्हें डर नहीं लगता? मुझे डर क्यों लगेगा निदा, 7 साल से तुम्हारे साथ भी तो रह रहा हूँ ना। फजूल बातें मत करो। पता नहीं था, कॉलेज के जमाने में मेरे दोस्त ने मुझसे शर्त लगाई थी कि आधी रात को किसी कब्रिस्तान में जाकर किसी कब्र के ऊपर सोकर दिखाओ। क्या? हाँ। फिर क्या, मैं जाकर सो गया? नहीं। हाँ निदा, सुबह जब मेरी आँख खुली ना तो सब दोस्त मुझसे मिलने आए हुए थे। कब्रिस्तान में? नहीं, हॉस्पिटल में। तो मेरा डर कम कर रहे हो या बढ़ा रहे हो? अरे निदा, ये जिन भूत तो हमारे आस पास ही होते हैं, इनसे क्या डरना। हो सकता है कोई जिन भूत इस कमरे में मौजूद हो। सो जाओ, डरने की जरूरत नहीं पगली, सो जा। जिन से डरते? देखा निदा, मेरा भाई सुबह सुबह अखबार में नौकरी का इश्तेहार ढूंढ रहा है। कब है इंटरव्यू दानिश? किसका? किसका नहीं, नौकरी का। अरे भाई, मैं नौकरी का इश्तेहार नहीं ढूंढ रहा। तो फिर क्या ढूंढ रहा है? फिल्म। तूने अखबार में फिल्म रखी थी? अरे नहीं भाई, आज संडे ना, तो मैं सोच रहा हूँ जाकर कोई फिल्म देखाऊं। तेरे लिए तो हर दिन संडे पगले, तू आज जा या कल। अरे यासिर, हम भी फिल्म देखने चलते हैं, इसी बहाने में थोड़ी रिलैक्स हो जाऊंगी, बहुत थक गई हूँ। हाँ भाई, सब एक साथ चलते हैं। नहीं, सब एक साथ चलेंगे तो थक जाएंगे, मेरे ख्याल में गाड़ी ले लेते हैं। गाड़ी तुम अपने ख्याल में ही ले सकते हो। क्यों निदा, तुम्हारी गाड़ी मेरी गाड़ी नहीं है क्या? नहीं। ओके। अरे भाई छोड़ दो यार, जिस दिन नौकरी मिल गई ना उस दिन छोड़ दूंगा। नौकरी को? नहीं, निदा को। क्या? अरे यार, आप लोग झगड़ा ना करें, ऐसा करते हैं कि कोई हॉरर फिल्म देखने चलते। नहीं नहीं, हॉरर फिल्म नहीं। क्यों भाभी? इससे भूतों से डर लगता है। इतने सालों बाद भी? चुप है। हाँ निदा, आज हॉरर फिल्म देखेंगे। यासिर, मेरा हार्ट फेल हो जाएगा। फिर तो पक्का हॉरर फिल्म ही देखेंगे। दानिश जा, टिकट पकड़ ले। ठीक है भाई। यासिर, दानिश। निदा, मुझे कभी कभी लगता है कि मैं शायद कपूर से मिलता हूँ, तुम्हें नहीं लगता? नहीं। खैर, मुझे तो लगता है ना। यासिर, तुम कुछ और नहीं देख सकते? देख सकता हूँ निदा, मैं कुछ और क्या, मैं तो और कुछ भी देख सकता हूँ। मेरे मतलब हम कोई और फिल्म नहीं देख सकते? निदा, हम कोई और ही देखने जा रहे हैं। सच? हाँ, उस हॉरर फिल्म का नाम है कोई और। क्या नाम है? कोई और। यासिर, मुझे हॉरर फिल्म नहीं देखनी भाई। नहीं, तुम इतना डरती क्यों हो? भाई टिकट आ गए, बस आएगा। मेरे भाई के चेहरे पे खुशी देखी? जब से हैदराबाद से आया, इसके चेहरे पर खुशी तो देखी है मैंने। क्यों भाभी, कुछ और नजर नहीं आ रहा है? मेरी पेट चिल्ला गए, कान, आंखें, बाल। चल चल, देर हो रही है, चल चल बच्चे, चलो तो चलो चलो। भाई पॉपकॉर्न खाएंगे बहुत सारे। हाँ निदा, पैसे उठा लेना बहुत सारे। चलो, बोतल भी पिएंगे। हाँ बोतल भी, निदा बोतल के पैसे उठा लेना। सॉफ्ट ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक भाई। निदा, तुम जब कमाल साहब को देख सकती हो ना, तो कोई भी हॉरर फिल्म देख सकती हो। आप लोग कहाँ जा रहे हो? क्यों बताएं? ये कौन सी जगह है? जी कॉरिडोर है चचा कमाल। अरे क्यों बताएं कौन सी जगह है? पता नहीं। अरे जिस जगह का पता नहीं वहाँ जा क्यों रहे हो? चचा, हम फिल्म देखने जा रहे हैं। कार्टून फिल्म देखने? नहीं, कार्टून देख लिया, अब फिल्म देखने जा रहे हैं। कौन सी फिल्म? कोई और फिल्म। कोई और फिल्म क्यों? जो फिल्म देखने जा रहे हो वही देखो। भाई ये कार्टून कब खत्म होगा? बदतमीज बड़े भाई को कार्टून बोलते हुए शर्म नहीं आती? मैंने कार्टून आपको बोला है चचा। तो क्या मैं तुम्हारा बड़ा भाई नहीं हूँ? अरे चचा, कमाल हमें क्यों परेशान कर रहे हैं? मुझे क्या पता, कमाल से पूछो। तो आप इसे तो पूछ रहा हूँ। अरे मेरा नाम कमाल नहीं है, बतूता है, बतूता। अरे यार, हमें देर हो रही है, हमें क्यों परेशान कर रहे हैं आप? हम हॉरर फिल्म देखने जा रहे हैं। वही डरावनी वाली हॉरर फिल्म? हाँ हाँ, वही फिल्म। सुना है कि वो फिल्म देखते हुए दो लोगों को हार्ट अटैक हुआ। यासिर चलो। हाँ चलो। यासिर वहाँ नहीं, घर चलो। अरे निदा, तुम इनकी बातों से डर नहीं? अरे हाँ भाभी, ये तो आए दुनिया में लोगों को डराने। हाँ चलो चलो चलो, मत जाओ, फिल्म देखने मत जाओ। अरे दो आदमी मर चुका है, डरते नहीं का कोई मेरा बात नहीं सुनता है।
क्या हुआ नीता? मुझे डर लग रहा है। तुम दानिश नर मत देखो, फिल्म देखो। फिल्म ही तो देख रही हूँ, बहुत डर लग रहा है यार। नीता ये फिल्म है। घर चलो। नीता फिल्म तो पूरी होने दो यार। यासर, फिल्म पूरी होने से पहले तो मैं मर जाऊंगी। सच? हाँ। फिर तो ये हम पूरी फिल्म देख के ही कब्र सान जाएंगे। यासर, मुझे डर लग रहा है, तुम्हें मजाक सूझ रहा है। यार नीता, अपने अंदर का डर बाहर निकालो यार। अरे बहुत निकाल रही है, तुम्हें नजर नहीं आ रहा क्या? भाभी प्लीज यार, फिल्म देखने दे। नीता मैं अभी आता हूँ। कहाँ जा रहे हो? यार वॉशरूम जा रहा हूँ। मत जाओ। नीता प्लीज यार। दानिश जी भाई, ध्यान का ख्याल रख। जाओगे भाभी? तो इस फिल्म में कोई डरावनी सीन नहीं आएगा ना? नहीं भाभी, कोई डरावनी सीन नहीं, बस ये जो भूत है ना, ये इस लड़की की आंखों में उंगली डाल के इसकी आंखें बाहर निकाल देगा, फिर ये लड़की भूत बन जाएगी। तो उसके बाद ये लड़की इस छोटी वाली बच्ची का सब जो है वो घर से अलग कर देगी। नहीं जल्दी चुप करो यासर। आराम से पोछा मारो। मैंने कब मारा है? तो अब मारो। मैं आपको पोछा क्यों मारूं? मैं मुझे नहीं, फ्लोर को। कौन फ्लोर? कौन फ्लोर नहीं, फ्लोर फ्लोर। ये फ्लोर कौन है जनाब? अबे फर्श को पोछा मार डफर। मेरा नाम डफर नहीं, जफर है जनाब। नीचे करें। ओके ओके। नीता तुम ठीक कह रही थी यार, तुम ये हॉरर फिल्म देख नहीं सकती, चलो घर चलते हैं यार। मेरी यार मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। हां बहुत एंजॉय कर रही हूं मैं। क्या कह रही हो यार? सही कह रहे थे, जब तक मैं ड्रोनी फिल्म देखूंगी नहीं, मुझे पता कैसे चलेगा ड्रोनी फिल्म होती कैसे, डर कैसे निकलेगा? यार मैं बकवास कर रहा था यार, फिल्म देखने से डर थोड़ी निकलता है, चलो घर चलते हैं यार। अरे लेकिन मेरा डर तो निकल गया, अब तो मैं पूरी फिल्म देख कर ही जाऊंगी। तेरी आँख से मिला मेरे ख्वाब का सिलसिला, मेरे होंठ जो खिले खराब कर दिया। मैं तो पहले ही कह रही थी पॉपकॉर्न बासी हैं। अरे मैं पॉपकॉर्न की नहीं, भाई की बात कर रहा हूँ। खबरदार जो मेरे मियाँ को बासी कहा। भाभी इनसे पूछे सही कि हुआ क्या था? किसके यहाँ? सिनेमा में क्या हुआ था? हाँ यहाँ से बताओ ना, क्या हुआ था? तुम डर क्यों गए थे? नीता मैं डर नहीं, वॉशरूम गया था। वॉशरूम में क्या हुआ था? अच्छा अच्छा हो गया हो गया, उसके बाद क्या हुआ?
मैं जैसे ही हाथ धोने के लिए पलटा तो मैंने देखा कि तुम्हारे हाथ नहीं है। नहीं, मैंने देखा कि एक आदमी पोछा मार रहा है। तुम्हारे हाथों से? नहीं, अपने हाथों से। तो उसमें डरने की क्या बात थी यासिर? अरे नहीं, आगे तो सुनो। मैंने जैसे ही हाथ धोने के लिए नल खोला तो उसमें से खून निकला। नहीं, फिर आईने में मुझे उस स्वीपर की जगह एक औरत नजर आई जो पोछा मार रही थी। और उसके खून निकल रहा था? नहीं निधा। तो फिर? अरे वो स्वीपर मुझे आईने में औरत दिखाई दे रहा था और बगैर आईने के मर्द। इसका मतलब भाई के आईना खराब था। तुम मुझ पे यकीन नहीं कर रही हो ना निधा? मैं तो नहीं कर रहा भाई का, मतलब यकीन जा रहा हूँ। अब तुम बैल से भी डरोगे? निधा, बैल से तो मैं बचपन से ही डरता हूँ। जब मैं छोटा था ना तो एक बैल ने मुझे टक्कर मार दी थी। मैं फोन बैल की बात कर रही हूँ। नहीं, तुम मेरा मजाक उड़ा रहे थे। अब तुम जरा अपनी शक्ल देखो, डरपोक। मैं डर नहीं रहा निधा। तो फिर उठाओ फोन। हाँ। हेलो यासिर, आज रात को मैं अम्मी के यहाँ रुकूंगी, ठीक है? कौन बोल रहा है? अरे निधा बोल रही हूँ यासिर। किसका फोन है? तो तुम्हारा फोन है निधा। कौन है? तुम हो निधा। फोन पे कौन है? फोन पर मैं हूँ। दूसरी तरफ कौन है? दूसरी तरफ तुम ही हो। तुम किससे बात कर रहे हो यासिर? तुमसे। अरे वहाँ किससे बात करो, तुम्हारे सामने कौन है? तुम ही तो हो। What? क्या बकवास कर रहे हो? बात कराओ जरा मेरी इससे। निधा तुमसे बात करना चाह रही है। निधा मुझे नहीं करनी। निधा तुम कह रही हो कि तुम्हें तुमसे बात नहीं करनी। ये तुम क्या बोल रहे हो यासिर? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? निधा मेरे लिए दीवार से एक चम्मच पानी ले आओ, मेरे बालों में बहुत दर्द हो रहा है। यासिर क्या हो गया है तुम्हें? निधा मुझे पिंग पोंग वाली बॉल चाहिए। क्या करोगे तुम उसका? हवाई जहाज उड़ाऊंगा। यासिर क्या हो गया है तुम्हें? ये मुर्गा कहाँ रो रहा है? मुझे तो आवाज दे रही, कहाँ रो रहा है? क्या हो गया भाभी? बहुत तेज बुखार हो रहा है दानिश। अरे भाभी अगर आपको बुखार हो रहा है तो भाई के सर पे पट्टियां क्यों रख रही हैं आप? मुझे नहीं, यासिर को बहुत तेज बुखार हो रहा है। ओ अच्छा अच्छा। बहकी बहकी बातें कर रहा है, नॉर्मल नहीं लग रहा। अगर बहकी बहकी बातें कर रहा है फिर नॉर्मल क्यों नहीं लग रहा? दानिश मैं देखूं क्या भाई को? तुम्हें ट्रीटमेंट करना आता है? नहीं ट्रीटमेंट करना नहीं आता, लेकिन देखना आता है भाई तुम्हें क्या हुआ है। मुझे डिस्टर्ब मत कर, मैं गाड़ी चला रहा हूँ। भाभी आपने मुझे बताया क्यों नहीं? क्या कि भाई गाड़ी चला रहा है, वो भी इतनी तेज। अगर मैं गाड़ी के नीचे आ जाता तो? अरे कोई बिस्तर पे लेट के गाड़ी कैसे चला सकता है दानिश? ओ तो इसका मतलब भाई मुझसे झूठ बोल रहा है। गाड़ी तो नीचे पार्किंग में खड़ी है और यासिर यहाँ खुद लेटा है, तो गाड़ी कैसे चलाएगा? भाभी आपको नहीं लगता कि हम लोग सब आज भैकी भैकी बातें कर रहे हैं? हाँ दानिश, कहीं हम पर भी यासिर का असर तो नहीं हो रहा? हाँ। फिर तो हमें यासिर से दूर रहना चाहिए। ओ भाभी इसका मतलब हम भाई को दफनाएंगे नहीं, सीधा जला देंगे। दिमाग तो खराब नहीं होगा दानिश, यासिर को आराम करने दो। हाँ चल चल। मैंने कब सिग्नल तोड़ा भाई, मेरे हाथ में तो पत्थर भी नहीं था। चले भाभी चले। भाभी मुझे पक्का यकीन हो गया कि भाई को डेंगू हो गया। हाय दानिश कैसी बातें करो, खुदा ना करे। फिर तो भाई फिल्म देख के ही डरा है। हाँ मुझे भी ऐसे लग रहा है कि वो डर गया है। मैं किससे डर गया भाई? डर गया हूँ भाई। क्या है? क्या है? मेरे दो दो भाई। नैनो से नैनो का रिश्ता है बरसों का, ये है जियो।